हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ग्रू टहंगुरी और मैं हाजिर हो गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। मुझे मालूम है इस समय स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि मुझे भाई एक क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहिए कि एक सैम्पल पेपर परचेज करना चाहिए। इसी पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे इस वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर की बात करें, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आप सभी को बताना है। कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आजकल एडिट में तो आपने चार चांद लगा दिए हैं, देव भैया जब वीडियो बनाते हैं हिस्ट्री की बैंक का यूज़ करते हैं, डिजिटल पैड का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे समझ में आता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और डिजिटल पैन का यूज़ करते हैं तो हमको बड़ी आसानी हो जाती है, इसके बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहले वही मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी वीडियोस को, हमारे एडिट को और अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं एक्सवी पेन टैबलेट। बहुत ही शानदार ये पेन टैबलेट है, आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है, आपके लैपटॉप पीसी से भी कनेक्ट हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट है, इसको यूज़ करने में मज़ा ही आ जाता है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, ऊपर आई बटन में आपके लिए मैं ज़रूर डाल दूंगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर वीडियो में सीधे हम आगे बढ़ते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारा कूपन कोड भी मिल जाएगा। अगर आप उसको यूज़ करते तो 5% डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को ये पेन टैबलेट रिकमेंड करना चाहूँगा भाई, बहुत ही शानदार है, मैं खुद इतने समय से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल से या लैपटॉप से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, आप अच्छे डिजिटल नोट्स बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब वो ज़माना गया है कि हम हर जगह अपनी कॉपी लेकर घूम रहे हैं नोट्स वाली, कब ज़रूरत पड़ जाए। अब बहुत सारे से फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन आते हैं, जैसे वन नोट हो गए, और भी बहुत सारे आते हैं जिनको यूज़ कर उस पर अपनी फाइल सेव कर सकते हो और कहीं से भी इंटरनेट के जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ये चीज़ हो गई और आज के समय में जहाँ पर कोविड के बाद ऑनलाइन का ज़माना बहुत आ गया है, तो बिल्कुल आपको इसको यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान लगने लगता है उसका इसको यूज़ करना, आप हमारी वीडियोज़ में देख ही रहे होंगे। तो ये पूरा हमारा आता है भाई इस पेन टैबलेट के बारे में। अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में से आपको क्या परचेज करना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन बैंक में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपने सैंपल पेपर देखा होगा, सैंपल पेपर में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए, और बहुत तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं को क्वेश्चन बैंक में डाल दिया जाता है। लेकिन अंतर बस इतना होता है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर चैप्टर वन है तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक चैप्टर रहेगा, उसके आपको शॉर्ट समरी नोट्स भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ बहुत सारे उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये आपको हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक होता है। इसके बाद अगर हम सैंपल पेपर की बात करते हैं तो सैंपल पेपर देखिए, बोर्ड भी अपना सैंपल पेपर रिलीज करता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये मैं बोल सकता हूँ भाई कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, उसी पैटर्न को कॉपी करके और बहुत सारे पेपर बना दिए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि भाई आपको कैसा पेपर का पैटर्न देखने को मिलने वाला है, उसको सॉल्व करके आप एक क्वेश्चन पेपर जैसा सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा सैंपल पेपर होता है। अब देख लेते हैं भाई दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा जिनका अभी सिलेबस बचा हुआ है, जो अपने चैप्टर कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा जिनको शायद चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है। आप सभी को आँख बंद करके क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए। आप चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने का हमने जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप उनको पढ़िए, आपको जो क्वेश्चन बैंक में समरी देखने को मिलेगी आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं उनको रीड करिए और उनको लिखकर प्रैक्टिस करिए। राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, उनको पढ़ेंगे चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा, और आपको बोर्ड का भी आइडिया लगेगा कि बोर्ड में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, या एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका भी सिलेबस नहीं हुआ और वो सिलेबस का ही रिवीजन करना चाहता है, तो आप आंख बंद करके क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको 100% ये श्योर बात है भाई कि मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है, अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो फिर आप सैंपल पेपर लीजिए। जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, आपने पूरा रिविजन कर लिया है, अब आप सैंपल पेपर करेंगे। सैंपल पेपर करने के प्रॉफिट क्या होते हैं? सबसे पहला प्रॉफिट होता है टाइम मैनेजमेंट। ये नहीं होगा भाई बोर्ड एग्जाम में समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा पेपर मैं 2 घंटे में 3 घंटे में कैसे करूं, टर्म 2 जैसा आपका भी 2 घंटे का होने वाला है, ये आपको दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपको पहले से पता होगा, आपने घर में प्रैक्टिस करी होगी। दूसरा, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो भी आपसे बनने लगते हैं, और कहीं ना कहीं आइडिया भी लग जाता है कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे। तो सैंपल पेपर भाई उन स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट चीज़ होती है जिनका पूरा सिलेबस हो चुका है, पूरा रिवीजन हो चुका है, अब वो फाइनल प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, पेपर के पैटर्न समझने की, और साथ साथ फाइनल बार देखने की कि भाई ऐसे कौन से चैप्टर हैं या कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे डिफिकल्टी जा रही है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी आप सैंपल पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा भाई जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि स्टार्टिंग के समय में जब तक हम डैम श्योर नहीं हो जाते कि भाई मेरा सब कुछ हो चुका है, हमें क्वेश्चन बैंक करना चाहिए,
जो सब्जेक्ट हमको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं उनमें तो क्वेश्चन बैंक करना ही चाहिए। साथ ही साथ जब हमारा सब कुछ हो जाता है उसके बाद फिर हम सैंपल पेपर कर सकते हैं। सैंपल पेपर के लिए बुक भी परचेज कर सकते हैं, CBSE का सैंपल पेपर भी होता है और हम भी जल्द इसके लिए कुछ ज़रूर करेंगे। तो ये सैंपल पेपर का आता है। अब आप भाई जिस भी पोजीशन में उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस समय क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या सैंपल पेपर लेना चाहिए। इसके बाद बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल हम अपलोड करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर अभी आपको ये नहीं पता है कि भाई क्लास 10th और 12th ह्यूमैनिटीज़ के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा इस वीडियो में आता है, आई होप आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट बचता है कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा नहीं बहुत सारी वीडियोज़ में, ऊपर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपके लिए डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु केंद्रिया, बाय।